خواتین و حضرات السلام علیکم اس کا جواب والیکم ہوتا ہے میں نے سنا گوڈ ایوننگ نمستے سچ ریکال آداب آج ایک بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت شام لے کر آپ لوگوں کے سامنے بمبئی سے کچھ کلاکار سنگیتکار گائک کلاکار حاضر ہوئے ہیں اس امید میں کہ آج کی شام آپ کے لیے ایک خوبصورت شام ہوگی ہمیشہ یاد رہنے والی شام میں منونی دادا سے التجا کروں گا کہ میں برمن صاحب کی طرف سے کمپوز کنڈکٹ کرنے لگتا ہوں اور وہ ایک تھیم میوزک جو ہے فلم شولے کی وہ آپ کے لیے سنائے تو منونی دادا آپ بجائیں ون ٹو تھری فور دیکھیں صاحب اب آپ سوچئے اس کی کمپوزیشن کی ہے آر ڈی برمن صاحب نے دو بار ہاتھ ہلانے سے میرے کہنے پہ بھی یہ سنگیت ویسے ہی بچ گیا تو اس کا کریڈٹ بھی میں لے لوں گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن محض سنگیت بذات خود کافی نہیں ہوتا کبھی 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 سنگیت کے ساتھ ایک آواز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ایک بہت خوبصورت آواز جس نے آج سے کئی سال پہلے پنچم صاحب یعنی آر ڈی برمن صاحب کی میوزک کے تلے اپنا کیریئر شروع کیا ایک ایسی آواز جس نے بڑی چھوٹی عمر سے لے کے آج تک سنگیت میں مہارت حاصل کی ہے میں آپ کے سامنے ایک ایسی گائکہ پیش کرتا ہوں جن کا گانا سن کر آپ واقعی خوش ہو جائیں گے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سشما سریش Indian Man Sushma.
asking. जी, आप सब लोगों को यहाँ देखकर मुझे एक बात का बहुत दुख हो रहा है कि मैं इससे पहले दुबई क्यों नहीं आई. लेकिन दुख के साथ मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं ऐसी हस्ती के साथ पहली बार यहाँ आई हूँ जिनके साथ इस तरह एक ही स्टेज पर गाने का अरमा न जाने मैंने कितने सालों से दिल में पाल रखा था. लेकिन अमजद भाई, पंजम्बा कहाँ है? वो पंजम्बा का ऐसा है कि वो शायद ट्रैफिक में फंस गए हो. आप तो जानती हैं कि शुरता जो है बड़े तेज है. नहीं, पंचमदा के बगैर मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ? आप एक मिनट ठहरिए, मैं मनोज दा से बात करता हूँ. दादा, मैं हाथ हिलाता हूँ, आप संगीत बजाएंगे? आप बजाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोलो, नहीं बजाएंगे. ये तो संगीत की आवाज में गाली सुनाई देती है. आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना. ये उससे भी बड़ी गाली थी. दादा, मैं हाथ हिलाऊंगा, आप कुछ बजा दीजिए. देखिए, आप अपना काम कीजिए, आपका काम एक्टिंग करना है, समझे ना? तो अभी हमारा म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाइए. हाँ, समझ गया सर, समझ गया. मेरा काम एक्टिंग करना है, आपका काम म्यूजिक देना है, पंचमदा का काम कंडक्ट करना है. ठीक है भाई, मैं अपना काम करता हूँ. मगर सुषमा, एक काम करते हैं. जी, मैं जानता हूँ पंचमदा को सुरीली आवाजें बहुत अच्छी लगती हैं. एक बार तो पंचमदा को सुर में आवाज देके देखो, हो सकता है श्री आर डी बर्मन कहीं से यहाँ नाजिल हो जाए. हो सकता है, मैं कोशिश करूँ. हाँ, आवाज दो. Monica! Oh my God!
ये जो अभी तो औरत है, ये एक जमाने में लड़की थी, छोटी सी थी, जो जीवन का पहला गाना मेरे साथ गाई। वो गाना कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं नहीं भूल सकती उस गाने को। ऐसा? फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। अच्छा। और गीत के बोल थे क्या हुआ तेरा वादा, वही गाना मैं अभी। तो वो गाना आप वही गाना मेरे पसंद के आप सुना। जी हाँ जरूर। इजाजत है हुजूर, कोई आवाज नहीं आ रहा है, ये बात हुई ना। अरे Oh,
Thank you. Thank you. Drop after drop. As time goes by. Drop after drop. Time becomes a jewel. Golden Stream by Christine Bernard. देखो भैया जिस गाने से तुमने शुरू किया जी. वो तो बहुत बढ़िया गाना था लेकिन अब मैं अपनी पसंद का एक गाना तुम्हारी पसंद का गाना ठीक है गाओ मैं गाने के बोल नहीं बताऊंगी ओके इनको बता दीजिएगा ताकि इनको तो मालूम वो
वाह भाई वाह, थैंक यू दादा। तुम जितनी बड़ी होते जा रही हो उतना अच्छा गाती जा रही हो। थैंक यू दादा, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम यू। अच्छा एक बात है, हम लोग सब जरा हिंदुस्तान के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जैसे तुम हो नेपाल, मैं हूँ आसाम के नजदीक, हमारे शक्ल सब जो है थोड़ा बहुत मंगोलियन जैसा लगता है। एक बात बताओ जी, कोई जापनीज चाइनीज कोई इस टाइप के कुछ गीत भी हिंदी में तुम्हारे ध्यान में है? है तो, तो मेरा अगर नहीं भी होगा चलेगा, किसी का भी होगा चलेगा। चलेगा गाओ, शुरू करें? यस चलो, मैं तब तक थोड़ा सा आराम करता हूँ। Stop!
अब मैं आपके सामने एक और आवाज पेश करना चाहता हूं, एक आवाज जिसने एक फिल्म से मकबूलियत हासिल कर ली, शोहरत हासिल कर ली। कोई गाना था कमरे में बंद होने वाला, और उस वक्त से सोचो तो उस फिल्म के जो हीरो थे ऋषि कपूर, वो नजरों के सामने आ जाते हैं, टावल लपेटे हुए बाथरूम से निकल रहे थे। न जाने कितना अरसा हो गया उस फिल्म को, लेकिन आज भी वो गाने वाला शख्स जिसे कि फिल्म हीरो बनना था, पता नहीं गाने वाला कैसे बन गया, वो आपके सामने आएगा। मैं चाहता हूं आप लोग दुबई की हॉस्पिटैलिटी को, मेहमान नवाजी को मद्देनजर रखते हुए उसे एक जोरदार हाथ दीजिए, कंधे पे नहीं, मुंह पे नहीं, तालियों का हाथ। आपके सामने पेश करूंगा शैलेंद्र सिंह। ये धुंध में कोहरा में खो गए थे, लेकिन इनके ड्रेस पे लगे हुए सोने से मैंने पहचान लिया कि ये बप्पी लहरी के बेटे नहीं हैं, बल्कि शैलेंद्र सिंह है। दोस्तों आपके सामने इस धुन के छट जाने के बाद एक खूबसूरत चेहरा नजर आएगा, कुछ सोना चमकता हुआ नजर आएगा। ये देखिए धुन छट गई, आपके सामने शैलेंद्र लहरी नहीं शैलेंद्र सिंह पेश है। दोस्तों ये बप्पी खान लेडीज एंड जेंटलमैन Shelly, it's all in fun, so don't mind. Never. And even if you mind, I'm stronger than you. Hello. मेरे प्यारे भाइयों और अमजद भाई की बहनों, ये मेरा ही पंच है बहुत पुराना। आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप लोगों के सामने यहां हूं। आर डी बर्मन नाइट है तो जाहिर है कि उनके ही गाने होने चाहिए, लेकिन पंचम दा ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं पहला गाना आपके सामने जो पेश करूं वो फिल्म बॉबी का हो। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए, मैंने लोगों को देखा है पीते हुए,
प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने लोगों को देखा है पीते हुए। जब सावन में बादल बरसने लगा और भी कुछ मेरा दिल तरसने लगा। मैं कश तो नहीं, मैं कश तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको मैं कशी आ गई। मैं शायर तो नहीं, क्या हुआ उठ के महफिल से जाने लगी, होके मगरूर आंखें चुराने लगी। क्या हुआ उठ के महफिल से जाने लगी, होके मगरूर आंखें चुराने लगी। तेरे दिल से जरा दिल लगी मैं करूं, थोड़ी सी अपनी तारीफ भी मैं करूं। तू दिलबर तो नहीं, तू दिलबर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा तूने मुझको तुझको दिलबरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब इसके बाद जो गाना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, उससे पहले मैं पंचमदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। पंचमदा, बॉबी के बाद मैंने जिस फिल्म में गाना गाया था उस फिल्म का नाम था खेल खेल में, और म्यूजिक आपका था, और वो गाना भी खेल खेल में खेलते खेलते कंपोज हुआ था। हाँ, याद है आपको। और आप आए थे और मैंने ये कहा था कि हमने तुमको देखा। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। तुमने हमको देखा ऐसे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। अरे हम तुम सनम सातो जन्म मिलते रहे हो जैसे। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। अरे हम तुम सनम सातो जन्म मिलते रहे हो जैसे।
आंखों का रह रह के मिलना मिलके झुक जाना कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना आंखों का रह रह के मिलना मिलके झुक जाना कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना हुआ यूं सामना बड़ा दिल थामना हो हुआ यूं सामना बड़ा दिल थामना ओ हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती हमारी दास्तां कहेगा ये जहां हो हमारी दास्तां कहेगा ये जहां हो हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे अरे हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे ओ हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे ला 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 La 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 Fashion harmonizes with tradition. Advanced technology with elegant beauty. A new way of telling time from the Orient by Orient. दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक और बहुत खूबसूरत आवाज पेश करना चाहता हूं। एक ऐसी आवाज जिसको कभी सुनकर ऐसा लगता है कि कोई कहीं दूर कोयल बोल रही है मीठी मीठी मध्यम मध्यम सुरों में और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक तराना है बहुत गरजता हुआ शोक तराना एक ऐसी आवाज जिसने आहिस्ता 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 अपनी मेहनत के साथ अपनी लगन के साथ अपने लिए एक जगह बना ली है एक बहुत अच्छी जगह जिसमें कभी कभी गीतादित्य की शोखी और मजाक सुनाई देता है कभी आशा जी की चंचलता और कभी लता जी की सुरीली महक आपके सामने पेश करता हूं फनकारा गुलोकारा कविता कृष्णमूर्ति कविता कविता जो भी गाना शुरू करोगे मेरे गाने से शुरू करो भाई और बहनों आप सबको मेरा नमस्कार ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि श्री राहुल देव बर्मन जिन्हें हम बहुत प्यार से पंचमता कहते हैं आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स वी हैव एवर हैड इन इंडियन फिल्म म्यूजिक और मैं ये कहूँगी कि इट्स माई वेरी प्राउड प्रिविलेज दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द सेम स्टेज एज ही इज और आज मैं उनके गाने से शुरुआत कर रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी इंडीड सबसे पहला गाना जो मैं गा रही हूँ ये फिल्म तीसरी मंजिल का है सुनिए सोनारी 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 तुझे जान
तुझी जान जुदा मत हो ना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर, खफा मत हो ना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर, खफा मत हो ना रे, ओ मेरे जिनके नाम है, माफ करना, औरत बन गई हो अभी, कविता कृष्णमूर्ति, बहुत सारे पिक्चर में काम गाना गा रहे हैं मेरे। मैंने इनको ज़्यादा गवा नहीं सका, लेकिन इन दिनों में काफ़ी गाने इनके हिट हुए हैं, वो भी वो गाएंगे, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के गाने गाएंगे। मैंने आपके काफ़ी सारे गाने गाए, काफ़ी सारे गाने गाए, बिल्कुल। अच्छा, एक गाना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इतने देर से बहुत डुम्पक 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 हो रहा है, कोई ऐसा गाना खिसे में है जो थोड़ा स्लो टाइप के हो? दादा, आपने मेरी मन की बात कह दी। फ्रेंड्स, मैं ये चाह रही थी कि दादा का और एक साइड है जो मैं उसके बारे में कुछ भी कहूँगी तो जैसे चिराग को रोशनी दिखाने वाली बात हो जाएगी, पर हमारे शास्त्रीय संगीत में भी उनका इतना ही कमांड है। और मैं आज एक हमारे शास्त्रीय संगीत का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो रंजनी राग में है, मैं प्लीज़ चाहूँगी आप लोग ये दादा का ये साइड भी और ये अंग भी ज़रूर सुने। ये सुन लीजिए, गाना सुनिए आप।
मेरे ही गाना होते जाएगा ऐसे कोई बात है नहीं और किसी के गाना नहीं हो सकता है जरूर जो आप कहें मैं क्यों कहूँ तुम सोचो तो दादा मैं सोचती हूँ आज सचिन देव बर्मन जी यानी सचिन दा का जरूर एक गाना सुनाना चाहिए हो जाए तो सुनिए ये गाना फिल्म गाइड का सुनिए
फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। Thank you.